1.3 बिलियन के पावर बॉल का जैकपॉट लगा जी किसी का, 1.3 बिलियन डॉलर्स। तो जी वो 46 साल का बंदा है और पिछले 8 साल से वो कैंसर में मुब्तला है। यहाँ पे जी मेगा बिलियन से एक लॉटरी है और एक पावर बॉल है, कैश फॉर लाइफ है, लोटो अमेरिका है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं हूं कामरान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस जॉन। तो जी आज का दिन का आगाज कर रही थी हम शिकागो से और लॉर्ड जी पोस्ट ऑफिस से हमने सुबह सुबह मैंने पिक कर लिया था। तो रात का जो लोड था हमने डिलीवर कर दिया था अरोरा इलिनॉइस में और वहाँ से हम 20 डेड माइल्स आए थे जहाँ से हम यूजली पिक करते हैं। तो वहाँ से पिक करके जी मैं ज़रा ट्रैफिक ट्रूफिक थी वहाँ से निकल के आगे वो लोग स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियाना से। और यहाँ पे जी एक बहुत ही खूबसूरत रेस्ट एरिया है, जैसे ही आप इंडियाना एंटर होते हैं। तो मैं यहाँ पे रुका हूँ ज़रा ब्रेक के लिए और हवा बहुत तेज़ है। तो हम तकरीबन यहाँ से एवरी अदर डे हम यहाँ से गुजरा करेंगे। तो मैं कि आज मैं यहाँ से ड्रोन छोड़ो और इसका आपको नज़ारा दिखाऊं। तो मगर हवा बहुत तेज़ पाए तो इसको पोस्टपोन करते हैं कल पे। तो जी सफ़र हमने अपना शुरू कर दिया शिकागो से, 800 माइल से हम जा रहे हैं नॉर्थ कैरोलिना। तो ये लोड भी रात को वहाँ पे डिलीवर होगा, फिर नेक्स्ट लोड हम वर्जीनिया से लेके वापस आएंगे। तो ये जी अब तक की सूरत हाल, सायरा ने कल पूरे 11 घंटे अपनी शिफ्ट करके जी, तो अब सायरा को फूक सुते हैं जी, कोई होश नहीं। तो जब आप 11 घंटे ड्राइव करें ना, तो मैं कहता हूँ ना आपको खाने को दिल करेगा, ना पीने को दिल करेगा, ना किसी से बात करने को दिल करेगा। आपका बस एक ही दिल करेगा कि जाए और जाके पीछे सो जाए। तो ये है जी सूरत हाल। तो मैं इधर अंदर से जाके मैंने वॉशरूम जाना था, पार्किंग ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। तो चले जी इधर अंदर चलते हैं, रेस्ट एरिया देखते हैं थोड़ा और अपने सफर का जी आगाज करते हैं। ये 65 हाईवे पे जी हम पहले आया करते थे, तो अब रिसेंटली दोबारा स्टार्ट किया है यहाँ पे आना। तो जब हम पहले यहाँ से गुजरते थे ना, तब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो ये रिसेंटली बिल्ट हुआ है नया रेस्ट एरिया। और सायरा को जी जगाया मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने कहा जी आज ही हम जरा वॉशरूम वगैरह यूज कर लें, अगर देखते कुछ खाने को भी है ले लें, नहीं तो नेक्स्ट मैंने नॉन स्टॉप ही जाना है। नेक्स्ट जी हम रुकेंगे सिर्फ और सिर्फ डीजल के लिए। वाह जी वाह, लकड़ी के बैल, वुडन बफेलो ये देखिए कितना खूबसूरत है यार, ब्यूटीफुल। ये क्या बनाया जी, व्हाट विंड पावर मींस टू इंडियाना। वाह, साथ ही जी इंडियाना के हिस्ट्री भी बता रहे हैं। या ये यूनिक आइटम बनाई यार, कोई लकड़ी के नहीं है जी, मेटल है। ओहो, ऑसम। देखिए आज तो आप इंडोर का इसका व्यू ले लें, ठीक है। तो नेक्स्ट राउट में जी आपको मैं यहाँ से ड्रोन का शॉट दूंगी जी, ड्रोन का शॉट लेंगे, मैं दिखाऊंगा यार तितली चेक करो है कि नहीं नज़ारा। चलिए जी मिलते हैं जरा आपको केनकैकी वेलकम सेंटर। अच्छा, केनकैकी जी सिटी का नाम है ये इंडियाना की, देख लीजिए इंडियाना। हाँ जी हाँ, मैं दिखा दिया वो। अच्छा ये लकड़ी के लग रहे हैं ना, वो मेटल है,
चलें जी चलें यहाँ से। सर सारा बजाय कि इसको आप तो रेस्ट एरिया बनाते, इसको आप चाहिए था कि ट्रैवल प्लाजा बनाते। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर रेस्टोरेंट भी होंगे। टांग पे यार कुछ ना पूछो वो इतनी बेवकूफ थी जब रात का अपना लोड डिलीवर किया ना। आपको पता है पोस्ट ऑफिस में जब डिलीवर करने जाते हैं तो आपको पास खड़े होना पड़ता है। अच्छा रोड की सील मैंने ब्रेक करके उसको अंदर रख दी, कहती सील किधर है। तो मैं अंदर से सील पकड़ने गया हूँ तो मेरा एक पाँव ट्रक के अंदर, दूसरा वो जो प्लेटफॉर्म है जिसको वो ऊपर करते डाक के, उसने पीछे से उसको खोल दिया। वो जो खुला तो ऐसे करके जी हल्का सा मेरे पाँव को लगा, हल्का सा पता मेटल का, तो वो जी उन्हें कट पा छड़िया मेरे पिनी दे उत्ते। कहती सॉरी सॉरी सॉरी। मैं क्या चलो जी तेरी सट लगनी सी लग गई, मेरा शुक्र है। अगर मेरा पाँव थोड़ा और पास होता वो लगते तो वो बहुत बुरा लगना। मैं अब आपको दिखाऊंगा मैं किस की बात कर रहा हूँ। One hour later. एक घंटे के ड्राइव के बाद जी वेलकम टू ओहायो। जी ओहायो एंटर हो गए। अभी थोड़ी देर पहले ये विंडशील्ड साफ की है जी, तो फिर इसका बड़ा रोला है। ले जी अभी हम ओहायो एंटर हो गए, तो आगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे वेस्ट वर्जीनिया की तरफ, तो वो ग्रीन ग्रीन पहाड़ जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। Eight hours later. Hello, good morning everyone. जी मैं उठ गई हूँ और उठते साथ जी अपनी हॉट सीट पे आ गई। सही है सारा, उठ भी नहीं सी आना थे, किधर आना सी जी। हाँ जी 300 माइल्स है जी मेरे। ये देखे जी पहले आप ब्रिज देख ले, वेस्ट वर्जीनिया। ले जी हम ओहायो से एंटर हो रहे हैं जी वेस्ट वर्जीनिया। ये देखे बहुत कॉमन उधर व्यू चेक करो यार। ओ ओ ओ ओ आप बताएं जी आप अपने हाल। हाँ जी 300 माइल्स है जी हमारे पास और गर्मी भी बेतहाशा है। इतनी बेतहाशा कि जी हम बाहर रुक के शीशा नहीं साफ करते। नहीं रुकते ही आगे गैस के लिए डीजल के लिए रुकेंगे, फिर करेंगे डलवाना है, मिरर क्लीन करने हैं। और सायरा ने अपनी कॉफी लेनी है जी, अभी मेरी सुबह हुई नहीं है। जब तक कॉफी का कप हाथ में ना हो तब तक सुबह नहीं होती। सही है जी, वो तो छोटे छोटे मार लेने। सर वो सनस्क्रीन मैंने लगा ली है, अपने धूप वाला पर मैंने पहन ली है। सही है, काम लगता है ऐ धूप चप्पर तेरा उड़ेगा। चलो अपर दे उड़ेगा ना, अदर तो मेरा उड़ी आ रहा है। करती है तो क्या हुआ।
जवाब कर दिया था। मैं सायरा को जगाना नहीं था, जाना सायरा खुद ही जी। चलो जुड़ते जी, बहुत हो गया। मेरी टाइमिंग और मैं मुझे दो डेढ़ दो बजे मेरी जाग हो जाती है। फिर जब जाग हो जाए तो फिर मुझे होता है कि चले जी काम है, थोड़ा सा फूल है, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। और वैसे भी ये इतनी खूबसूरत सीन वादियों में से ड्राइव करने का जो मजा आता है ना। वैसे मेरे 500 माइल्स हो गए थे जी सर। इस रात को आपने कितने माइल्स किए पूरे 11 घंटे में? आप सोचोगे तो आप खराब। 700 कुछ में तो मैं आपको माइल दे गया, तो आपने 700 माइल ही पूरा कर दिया। 750 माइल। तो शूटर ही। नो मत स्टॉप। सदा थक गई थी, अब मेरा ना थोड़ा पांव भी स्वेल हो गया। चले मिलते जी, नेक्स्ट स्टॉप करते हैं डीजल स्टॉप। डीजल स्टॉप। Two hours later. ये जी चार्ल्सटन वेस्ट वर्जीनिया का ब्रिज। ये उसका डाउनटाउन है। छोटी सी सिटी पर बहुत खूबसूरत। सायरा जी सिर्फ दो मैंने देखे पायलट ट्रक स्टॉप, ये बड़ा मसला है भाई। लव्स आता है दो तीन दफा आता है, और ये सिर्फ दो। एक वो इंडियाना भी आया था और एक ओहायो। तो जी हमें बड़ा एहतियात करनी पड़ रही है जी डीजल की, है ना। अभी तो हमारे पास पूरा है, अभी तो डलवाएंगे नॉर्थ कैरोलिना से। वेस्ट वर्जीनिया लॉटरी। ओ अच्छा, ये जी लॉटरी वालों का हेड ऑफिस। लॉटरी सिस्टम बताओ जी सारा। ना मैंने कभी खेलिया था मुझे पता है लॉटरी सिस्टम का। गलत बंदे को तुसी गलत सवाल कर ले जी। मिलियन बिलियन डॉलर्स निकलते हैं लॉटरी के, मगर नहीं उस मुझे नहीं पसंद लॉटरी शॉटरी खेलना। किस्मत किस्मत है जी, हमें मेहनत करो। मेहनत मेहनत वाला काम, हमारी लॉटरी मेहनत ही है कि नहीं भी। ऐसे ही हम लॉटरी शॉटरी नहीं खेलते। तो अगर ये जी किसी के बड़ा जैकपॉट लग गया है मिलियंस डॉलर का, तो वो आपको इस ऑफिस में बुलाएंगे हेडक्वार्टर में, और यहाँ पे आपके जी आपको प्राइस मनी देंगे। वो छोटी मोटी 100-200 वो आपके स्टोर भी दे देते हैं। अगर मैं कहें 5-10 हज़ार डॉलर से ज़्यादा अगर आपने विन किया ना, पैसा निकलता है। हाँ जी जी, आपको क्या और एक पावर बॉल है, कैश फॉर लाइफ है, लोटो अमेरिका है, लकी स्टेट है, पिक 3 और फैंटेसी 5। ये 4-5 काफी फेमस है। पावर बॉल के वैसे 6 नंबर होते हैं, एक लास्ट 7 पावर बॉल नंबर होता है। बस यही होना चाहिए, अगर एक मैच हो जाए उसको मिलना। हाँ एक मैच हो जाए लास्ट जो आपको पता है लास्ट किसकी निकली है जी लॉटरी, कितने की निकली है बता दूं कि नहीं? तो 1.3 बिलियन के पावर बॉल का जैकपॉट लगा है जी किसी का। 3 बिलियन डॉलर्स। तो जी वो 46 साल का बंदा है और पिछले 8 साल से वो कैंसर में मुब्तला है। 46 साल तो नॉट बैड। वो कैंसर भी चाह देगा ना। ओरिगन में ओरिगन स्टेट में ना वहाँ पे रहता है, वहाँ पे निकले। बड़ी बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये। मैं वही तो कह रही थी, न्यूज़ में भी आया। हाँ
तो $2 की लॉटरी से जी $1.3 billion तो वो जल्दी मैच नहीं ना होता, यही तो बात है, वो इसलिए तो बिलियंस में चली जाती है। पर आज उसकी खूबसूरती ये है कि वो पैसे एड अप होते जाएंगे लास्ट रो के आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे, तो जब तक वो निकल नहीं ना तो पैसे बढ़ते ही जाएंगे। तो जी अमेरिका में बहुत क्रेज है लोगों को जी लॉटरी का, और निकलती भी है जी। अच्छा ये जो अपना ये नंबरिंग वाली तो एक लैदा है, स्क्रैच ऑफ लैदा है जो वो बने होते हैं, उसको आप स्क्रैच करो, उसमें से भी कई लोगों के $1 million, $5,000, $10,000। हाँ जो इस चीज को ट्रीट करते हैं कर्जा माफ कराओगे तो पैसे किन हैंड ओवर करोगे, शहबाज शरीफ नू के जरदारी नू IMF को दे दोगे इधर ही, डायरेक्ट ही दे दोगे? अच्छा कर्जा एक टर्म का माफ करा दोगे तो अगले फिर उन्होंने डैडी रखे होना है, लोगों को रिलीफ ना मिलेगा, लोगों को रिलीफ किसी गल नहीं लगेगा जी। तो जी अमेरिका में लॉटरी सिस्टम रियल है, लोगों के पैसे निकलते भी हैं। सबसे अच्छे $1 million जो आप मेहनत करके कमाते हो जी वो आपके $1 million है। ये तो है। वो देसी कम्युनिटी भी बड़े पाकिस्तानी इंडियन खा पीते रहे लॉटरी का जी। हाय बड़े बंदे ने गड्डियां च रखिया ने लॉटरियां सारा। वैसे अस हर स्टेट घूमते हैं, सानू चाहिए हर स्टेट से ना टिकट ले लेनी चाहिए। की कहते तो अमेरिका में लॉटरी भी अच्छा। ये आपको याद है जी हम गए थे डेनवर डाउनटाउन के, जब होटल में स्टे के लिए जा रहे थे अपने उबर करवाई थी, उबर वाला जो ड्राइवर था वो बताएं जी जरा, लॉटरी वीजे पे जी अमेरिका आया हुआ जी, वो कहता जी वो फ्री ऑफ कॉस्ट लॉटरी है जी, आप एक एप्लीकेशन फिल करें तो अगर आपका लॉटरी में नाम आ गया तो फ्री वीजा, फ्री टिकट, फ्री ग्रीन कार्ड, फ्री यहाँ पे आके आपको सेटल कर देंगे। ये पूरी फैमिली है, बच्चे भी थे उसके, पूरी फैमिली ऐसे कौन करता जी, ये सिर्फ अमेरिका की खूबसूरती है जी, अमेरिका ही ऐसे कर सकता है। पाकिस्तान होता था अमेरिकन लॉटरी सिस्टम भी, मगर अब नहीं है, मेरे ख्याल से इंडिया भी नहीं है, तो पता नहीं उन्होंने बंद कर दिया, एलिजिबल नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं अमेरिकन लॉटरी सिस्टम में, बड़े लोग आते जी हर साल आते हैं अमेरिका में। अच्छा तो साल में एक दफे निकलती है लॉटरी वीजा? हाँ मैं कह रहा 10-20 साल पहले था, 20-25 साल पहले था, बड़े के लोग गए अमेरिका, पाकिस्तान से भी गए आज से, हाँ 2005 तक मेरे ख्याल था, आई डोंट नो। बताए जी लॉटरी वीजा पे किसी का जो वीजा निकला तो इन गॉड वी ट्रस्ट, या पुलिस अधिकारी। ओह
आज तो ही लॉटरी का हेडक्वार्टर देख के जी लॉटरी लॉटरी हो गई जी सारे की डॉलर आई जा रहे तो वो ये देखा लॉटरी वाले पैसा कितना बनाते हैं कम टैक्स कर भी देगा ना हाँ जी अगर आपको फॉर एग्जांपल $1,00,000 निकला है तो वो आपको दो ऑप्शन देंगे या तो कैश ले लें या मंथली फिक्स कर लें आपको इतने मिलते जाएंगे ठीक है अगर आप लमसम ले लोगे ना तो 1,00,000 में से आपको 60 या 70 ही मिलना है और एक और मजे की बात अगर आपका गैस स्टेशन है या कोई स्टोर है जहाँ पे आपने बेची है बेचने वाले को भी 10% मिलना है जिसके स्टोर से लॉटरी बिकी है ना उसको भी 10% मिलना है अगर जिस स्टोर से $1.3 billion की लॉटरी सोल्ड आउट हुई है वो स्टोर दे भी बारे नहीं आ रहे 10% थोड़ा 1.3 billion का 10% चले जी आप खूबसूरत सफर एंजॉय करें और जी जिसकी किसी की लॉटरी निकली है बताएं जरा कमेंट करके अमेरिका में या पाकिस्तान में पाकिस्तान से चलता जी वो पता नहीं आजकल चलता कि नहीं वो जो बैंक के क्या होते सर प्राइस बोर्ड चलते हैं वो भी पता नहीं कितने के रेल है वो मैं कहीं रेल ही जो बैंक से मिलते हैं लो जी ये सबस पहाड़ रह गए सदा दहाना देख लो जरा है ना वेकेशन पे ही सायरा हम आप क्यों परेशान होते हैं लाओ ट्रैक की साइड पे तेजी थे कि थे फोटो वाशी टू की चीज़ पड़ा थे 10-15 मिनट दिया था हाँ 300 मील सायरा ने आज घूमन के लिए कहानियाँ ने चलो चलो जी मैं सोने लगा हूँ सिखाओ को मर के रही हेलो जी वेलकम बैक 4 घंटे के बाद स्टॉप किया है और मुझे लग गई थी बड़ी सख्त वाली भूख मैंने कामन को कहा जी मैं जरा खाना खा लूं आप जरा डीजल डलवाएं तो जी कामन जी मैंने अपनी ट्रे यहीं पे सजा ली है तो मैं जरा खाना खा लूं आप डीजल डलवा लें तो जी 2 घंटे की ड्राइव रह गई है बस और 120 miles मोर रह गए हैं हमारे पास इसको डिलीवर करने तो जी पेट पूजा पहले कर लिए सर खाना खा के आप डीजल डलवा लो जी नहीं कामन जी आप डलवा दे प्लीज मैंने वॉशरूम आना जाना था मैंने उठना ही नहीं था तो फायदा अब उठ गए हैं तो कोई फायदा तो है ना मुझे आपके उठने का आप वैसे बताओ अंदर से जाके आप ये ले आए हो खाना तो पहले डीजल डलवाते फिर खाना यार कामन मेरे ना मुझे भूख बहुत ज्यादा लग शदीद वाली बर्दाश्त नहीं हो रही सही है जी तो चले जी खा लें फटाफट खाना
मेरे लिए है कुछ के नहीं? एक पीस लिया, मैं बच्चा हुआ ना, एक पीस लिया नहीं कहा ना आपने वो भी, चलो खा लेते हैं कोई बात नहीं। चले जी मिलते हैं आपको थोड़ी देर। Three hours later. ले जी, जहाँ पे लोड डिलीवर करना था हम लोग पहुँच चुके हैं और ट्रक पार्क कर लिए, अनलोडिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 30 मिनट्स लगेंगे तो यहाँ से हम लोग फ्री हो जाएंगे। और फिर यहाँ से जी आपको पता है कि हमने 200 माइल जो है वो डेड माइल हमने आगे जाना है वर्जीनिया, जहाँ से कल सुबह का लोड हम लोग पिक करेंगे। तो ले जी हमें इजाजत दे, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको कल नई सुबह में, नए लोड के साथ और नए दिन में। तो हमें इजाजत दे जी, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले जी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दे और ढेर सारा अपना प्यार दे जी।